दोस्तों फाइनली हमारे पास आ चुका है Redmi Note 9 स्मार्टफोन, जहाँ पे आप लोग देख पाओगे व्हाइट कलर का बॉक्स मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और एक छोटा सा सरप्राइज़ लेके आया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को सब सरप्राइज़ के बारे में पता चल सके, और नए यूज़र हो तो कहूँगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो ओवरऑल आपको कुछ इस तरह से बॉक्स मिलने वाला है और यहाँ MI का ब्रांड लोगो भी मिल जाता है। इधर आपको Redmi Note 9 लिखा हुआ दिखाई देता है, इसके अलावा इधर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और यहाँ आप लोग देख पाओगे ये स्मार्टफोन 4 GB की रैम एंड 128 GB स्टोरेज प्राइस है दोस्तों। तो यहाँ जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करेंगे, यहाँ आपको फर्स्ट लेयर देखने को मिलता है और इस लेयर पर नज़र डालते हैं तो यहाँ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इस लेयर में आप लोगों को सबसे पहले सिम इंजेक्टर टूल यानी पिन मिल जाता है यहाँ। इसके अलावा आप लोगों को कुछ क्विक यूज़र गाइड वारंटी कार्ड्स भी आप लोगों को यहाँ मिल जाते हैं व्हाइट कलर में। इसके अलावा आपको यहाँ बैक केस मिल जाता है, यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि पॉलीथीन से पैक्ड था। और यहाँ ट्रांसप्रिंटेड बैक केस मिल जाता है कैमरा कटआउट्स के साथ, बहुत बढ़िया सा मिल जाता है। इसको साइड में रख के यहाँ आप लोगों को स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। इसको साइड में रख के हम लोग बॉक्स के एक्सेसरीज को चेक करते हैं और नज़र डालते हैं तो यहाँ आप लोगों को व्हाइट कलर में चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है, जो कि 18 वॉट का फास्ट चार्जर है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख पाओगे। और इसके अलावा आप लोगों को व्हाइट कलर में टाइप सी केबल भी मिल जाता है। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे रेडमी नोट 9 का फर्स्ट लुक। यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन हाईलाइट की गई है इस पॉलीथीन की रैपर से यानी स्क्रीन प्रोटेक्शन से। तो इस स्क्रीन प्रोटेक्शन को हम बाहर निकालते हैं और इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, यदि आप लोगों को सरप्राइज़ के बारे में जानना है। तो जो छोटा सा सरप्राइज़ लेके आने वाला था दोस्तों, वो ये है कि मैं आपके लिए इसी स्मार्टफोन का गिव अवे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो गिव अवे जीतने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या करना होगा गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ आप लोगों को साइड बाई साइड बॉर्ड डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से देखने को मिलता है और इस स्टीकर को हम बाहर निकालते हैं। और बात करें इसी स्मार्टफोन की कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आप लोगों को टोटल 4 रियर कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसका अपर्चर f/1.79 और 6P लेंस मिल जाता है। दूसरा कैमरा आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसका अपर्चर f/2.2 जिसमें आपको 5P लेंस मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा जिसका अपर्चर f/2.4 मिलता है। और फोर्थ कैमरा आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए मिलता है जिसका अपर्चर f/2.4 और जिसमें आप लोगों को 3P लेंस मिल जाता है, यहाँ आप लोग देख पाओगे। इसके अलावा आप लोगों को कैमरे के नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, तो इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता। और राइट साइड आपको देखने को मिलेगा LED फ्लैश। और वहीं बात करें इसी स्मार्टफोन की बॉडी डिज़ाइनिंग, तो राइट साइड आपको वॉल्यूम रॉकर, पावर ऑन ऑफ कीज, ऊपर की साइड माइक यहाँ आपको देखने को मिलेगा और IR ब्लास्टर भी आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को लेफ्ट साइड सिम ट्रे बॉक्स यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, और नीचे की साइड आप लोगों को हेडफोन जैक, माइक, चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। तो ओवरऑल इसमें आपको बहुत ही बढ़िया बॉडी डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको स्मूथली यूज़ कर पाओगे। इसका फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छे जगह में दिया गया है, इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों। तो करते हैं इसे स्मार्टफोन का बूट, तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा रेडमी का लोगो और यहाँ आप लोगों को ईयर पीस मिल जाता है और साइड में आप लोगों को डॉट पंच होल डिस्प्ले भी मिलता है। और इसमें आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f/2.25 है, जिसमें आप लोगों को 5P लेंस मिल जाता है। और नीचे आपको एंड्रॉयड का लोगो एंड नेम मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ ये स्मार्टफोन को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इसका फर्स्ट लुक। तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को MIUI 11 बेस्ट एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है दोस्तों। तो और वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले एंड डिज़ाइनिंग की, तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.53 इंच की फुल HD प्लस की डॉट डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है। और वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को मीडियाटेक हीलियो का G85 वाला चिपसेट मिलता है, जिसमें आप लोगों को ARM G52 का GPU मिल जाता है, जिससे आप लोग गेम खेलोगे तो लैगिंग का ऑप्शन थोड़ा कम ही रहेगा दोस्तों इसे स्मार्टफोन में। और अब बात करें गिव अवे की, तो जो गिव अवे अनाउंसमेंट करने वाला था दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना होगा। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। इसके बाद आप लोगों को इस वीडियो को करना होगा लाइक और एक वीडियो
के नीचे कमेंट करना होगा किसी स्मार्टफोन की कौन सी चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा खास लगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना होगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। ये सब करने के बाद आपको सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मैं वहाँ लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ और वहीं इस गिव अवे का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो मुझसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए गिव अवे का अनाउंसमेंट या फिर गिव अवे का विनर बनने के लिए कि कौन है गिव अवे का असली विनर। और वहीं बात करें इसे स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की, तो इसी स्मार्टफोन में आप लोगों को 5020 mAh का नॉन रिमूवेबल वाला बहुत ही बढ़िया बैटरी मिल जाता है और 18 W का फास्ट चार्जर के साथ आता है दोस्तों। तो ओवरऑल ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और इसी तरह की लेटेस्ट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।